वेलकम अगेन दोस्तों इन माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज क्लासेस। तो हमारा प्रोनाउन लास्ट वीडियो तक कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट की कि इसकी एक्सरसाइज भी करवाई जाए। तो आइए आज हम लोग प्रोनाउन के एक्सरसाइज वाले पार्ट में चलते हैं, ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है वो चेक भी हो सके कि आप लोगों ने कितना पढ़ा कितना समझा। चलिए आइए चलते हैं अपने एक्सरसाइज प्रोनाउन के एक्सरसाइज वाले वीडियो की तरफ। स्टडी मतलब तो आइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 10 सेंटेंसेस हैं फिलहाल, इसके बाद एक हाफ और होगा इसका। आइए जो आपको पढ़ाया गया, जो आपने पढ़ा है जिम्मेदारी से, बड़ी मेहनत करके पढ़ाया गया आपको, आइए उसका एक छोटा सा एक टेस्ट टाइप का हो जाए। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या पहले एक एक करें और उसके बाद मेरे आंसर से इसको मैच करें। ये ज्यादातर सेंटेंस कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, वही मैंने लिखे हैं। और अगर आप ये कर लेते हैं, ज्यादा ज्यादा नंबर पाते हैं, तो आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप किस लेवल में हैं, आपको नॉलेज कहाँ तक आ गया। ठीक है, और कोशिश करिए कि इसको अपने आप खुद करिए, फिर इसमें आएगा। फिर खुद कोशिश करिए, इसको आप पहले करिए, फिर मेरे आंसर से पहले करिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं इसके आंसर्स का डिस्कशन। तो जैसा कि पहले इसका आंसर पहला सेंटेंस है, आई ही एंड यू हैव मेड अ मिस्टेक। ये 10 सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, तो ये मैंने 10 रूल डिफरेंट रूल दिए, मतलब प्रोनाउन का हर एक रूल का मैंने सेंटेंस आपको दिया, ताकि इसी तरह प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो पहला है आई ही एंड यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो कौन सा पार्ट गलत है, ये पहला, ये दूसरा या तीसरा, ए पार्ट, बी, सी या डी? तो कौन सा पार्ट गलत है? उम्मीद है जैसा कि बताया गया आपको कि आप पहले ही कर लेंगे, उसके बाद मेरे आंसर से टैली करेंगे। तो उसका सही आंसर है ए पार्ट। मतलब पेपर में किस तरह आता है, चार बबल होते हैं, उन बबलों बबल्स में से जो आपको बबल रॉन्ग लगे, जो पार्ट गलत लगे, उसको भरना होता है। तो ये ए बी सी वाला इस तरह आंसर शीट होती है आपकी, पता होगा आपको। तो ये कौन सा पार्ट गलत है? यस, ए पार्ट गलत है। तो आपको क्या करना होता है, वहां पर ऐसे डार्क कर देना होता है ना, ब्लैक पेन या ब्लू पेन से, बॉल पेन से। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पर गलती क्या है। यहाँ लिखा हुआ है आई ही एंड यू, कौन सा पार्ट गलत है? ये गलत है ना? क्या गलत है? आई ही एंड यू, फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड पर्सन। कौन सा बन रहा है? फर्स्ट थर्ड और सेकेंड पर्सन। जबकि होता क्या है, या तो 1 2 3 होता है या तो 2 3 1 होता है। इसका जो क्लियर रूल है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, प्लीज इसकी ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का और थर्ड पार्ट का। प्लीज वहां जाइए और इसकी ज्यादा डिटेल के लिए करिए, क्योंकि यहां मैं मिटाकर डिटेल नहीं कर सकता। जबान से जितना बोलूंगा वो आपको उतना समझ कम आएगा, जब तक लिखूं मैंने, थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां वीडियो को जो है पूरा रूल कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया गया, वहां से पढ़िए। ठीक है, रूल क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो इसका मैंने रूल बताया आपको कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन नेगेटिविटी के लिए, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन पॉजिटिविटी के लिए आता है। तो यहां पर अगर देखा जाए, लिखा हुआ है हैव मेड अ मिस्टेक, गलती कर दी मैंने, उसने और तुमने गलती कर दी, ये एक नेगेटिव सेंस है। तो ये होना क्या चाहिए था, इसका सही आंसर होना चाहिए था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, मतलब आई, यू एंड ही। तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट पार्ट आपका रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। जिनका सही है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि उनके कितने सही हुए हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है लेट हिम एंड आई डू दिस वर्क, लेट हिम एंड आई डू दिस वर्क। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट। कौन सा पार्ट? बी पार्ट। ठीक है, ये बी पार्ट है, ए बी सी और डी। तो कौन सा पार्ट इसका गलत है? बी पार्ट गलत है।
क्या गलती आई है देख लेते हैं। लेट, इसका यहाँ पर लेट का रूल चल रहा है, लेट के साथ आने वाला जो प्रोनाउन या नाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो लेट के साथ हिम आएगा। एंड आई गलत है, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा आई की जगह पर मी, क्यों, लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जरूर देखे जाकर, वहां पर रूल आपको क्लियर मिलेंगे। यहाँ पर चूंकि मिटाना पड़ेगा इसलिए जगह नहीं है, इतना नहीं हो सकता, ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज विजिट करें। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर थर्ड की तरफ, ये पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है और ये पार्ट डी है। बात करें अगर थर्ड सेंटेंस की, तो देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन ही एंड मी, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन ही एंड मी, यहां आंसर है आपका कौन सा पार्ट गलत है आपका, ये सी पार्ट गलत है, थर्ड पार्ट जिसे कह सकते हैं। क्या गलती है, प्रीपोजिशन के साथ बिटवीन एक क्या है, कौन सा रूल चल रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, थर्ड प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, तो यहां ही की जगह क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, यहां ही की जगह क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं ज्यादा नॉलेज के लिए, ये ना कोई जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो वो ये ना समझें कि खाली प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसका क्लियर आंसर तो दे नहीं रहे, तो मैं तभी आपसे बार बार कह रहा हूं प्लीज आप क्या करें कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मैंने जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसको विजिट करें, उसे पढ़े जाकर, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। चौथा सेंटेंस है, ही इज एज इंटेलिजेंट एज मी, तो यहाँ कौन सा पार्ट गलत है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट या नो एरर, कोई गलती नहीं है, तो यहाँ गलती है आपकी सी पार्ट में, ये गलत है सी पार्ट, क्या गलती होगी यहाँ पर, कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एज एज सो एज वाला, अगर एज एज या सो एज से कोई प्रोनाउन जुड़ता है तो उसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, तो इसलिए यहाँ पर मी की जगह क्या हो जाएगा, आई, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। बात करें अगर पांचवें सेंटेंस की, तो लिखा है इट इज आई हु इज टू ब्लेम, इट इज आई हु इज टू ब्लेम, मतलब ये वही है जिसको तुमने बदनाम, मैं ये मैं ही था जिसको जो बदनाम किया गया, तो इसका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बी पार्ट, क्या बी पार्ट में होगा, रूल क्या है, अगर इट के साथ बी की फॉर्म इज आई हो तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन आने पर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब आती है, तो यहां पर इसकी जगह क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, आई के साथ इज नहीं आता, आई के साथ एम आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर सेंटेंस नंबर सिक्स की तरफ, सेंटेंस नंबर सिक्स है आपका, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक, यहां पर क्या गलती हो सकती है, आइए देखते हैं, यहां पर गलती है सी पार्ट, ये पार्ट गलत लग रहा है, क्या देखिए क्या गलती हो सकती है, ये मेरी किताब है और वो तुम्हारी, ठीक है, यहां गलती क्या है, यहां गलती ये है कि अगर एक बार नाउन आ गया तो दोबारा नाउन नहीं आएगा, तो यहां से नाउन हटेगा, तो जब सही नाउन हटेगा तो इस प्रोनाउन को भी बदलना होगा, यहां पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, इसलिए यहां पर पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, योर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर सेवेंथ सेंटेंस की, तो सेवेंथ सेंटेंस में है द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोक, भालू के नाक पर एक रिंग थी, तो यहाँ क्या गलती, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, शायद इसका मैंने आपको टॉपिक क्लियर नहीं कराया था, तो यहीं पर मैं बोलूंगा, उसे प्लीज नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, समझाने के लिए समझा रहा हूँ, समझिए, यहाँ पर थोड़ी जगह है, यहीं पर यूज करता हूँ, यहाँ पर गलती समझ लीजिए कौन सी है, यहाँ पर सी पार्ट गलत है, ये पार्ट गलती है, यहाँ पर एड्स यहाँ नहीं होगा, देखिए क्या होता है, दो तरह के एड्स हैं, एक तो ये है और एक ये क्या है, ये इट इज है, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है, यहाँ शॉर्ट, और इसकी मीनिंग ये है, मीनिंग आ रही है भालू के नाक पर रिंग थी चारों ओर, है ना, तो यहाँ इज इट इज का कोई शॉर्ट फॉर्म का सेंस नहीं आ रहा है, और इट्स ये पजेसिव है किसका, इट का, इसका मतलब होता है अपने या इसके, अपने या इसके, तो बेहतर है
इट्स पजेशन की जरूरत है हमको, ना कि हमको शॉर्ट फॉर्म की जरूरत है। ठीक है, यहीं से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिए। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई टू विन द मैच, मैं कॉन्फिडेंट था अपने मैच जीतने का। कौन सा पार्ट गलत लग रहा है यहां पर? यहां पर गलती है आपकी सेकेंड पार्ट में। इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा? ऑफ माई विन टू विन की जगह पर विनिंग हो जाएगा। क्यों? देखिए, क्योंकि रूल क्या है कि अगर कोई पजेसिव प्रोनाउन यूज किया गया है, उसके बाद हिंदी में नानी ने आ रही है, आ रहा है, तो फिर वो जीरंड केस यूज किया जाएगा। ठीक है, जीरंड क्या होता है? डायरेक्ट विदाउट एचवी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसमें हिंदी में नानी ने निकलता है। मीनिंग देख लीजिए एक बार, मैं कॉन्फिडेंट था, मैं यकीन था मुझे कि मेरे जीतने का, मैच जीतने का, नानी ने आ रहा है। ठीक है, इसलिए आप यहां पर क्या हो जाएंगे कि आप यहां पर पजेसिव के साथ जीरंड लगाएंगे। अगला देखिए, नवा, ईदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी, तो यहां पर कौन सी गलती है? किस पार्ट में गलती लग रही है? तो यहां गलती है, यस, पहले पार्ट में गलती है, ये पार्ट गलत है, ए पार्ट गलत है। क्या गलती है यहां पर? गलती ये है कि यहां ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ थ्री फ्रेंड्स और इधर का यूज किया गया। मैंने आपको रूल प्रोनाउन के जो थर्ड पार्ट है उसमें पढ़ाया है कि इधर ईच का रूल उसमें पढ़ाया गया, आपको सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट में होगा, देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होगा कि इधर का जो यूज है वो दो लोगों के लिए, दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए। यहाँ तीन आ गया है तो इधर तो नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा, इधर हटेगा तो अब लगेगा क्या? नंबर तो मिल गया आपको, एनी लग जाएगा, क्योंकि एनी का यूज दो से ज्यादा के लिए, नन का यूज दो से ज्यादा के लिए, ईच, इधर और नीदर का दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। बात करें अगर टेंथ और लास्ट सेंटेंस की, फिलहाल आज के लिए 10 ही सेंटेंस दे रहा हूं, उसके बाद में 10 का और स्लैब बना कर दूंगा। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यहां क्या है? बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, यहां पर क्या गलती है बताइए? डेफिनेटली ये सेंटेंस पार्ट गलत है, पहला पार्ट गलत है। ये पहला पार्ट गलत होने की वजह से यहाँ पर गलती क्या है? बोथ ऑफ द, बोथ का जो यूज है ये भी मैंने शायद नहीं पढ़ा, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लेकिन नाउन में अगर आपने पढ़ा होगा तो नाउन वाले सेक्शन में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जो बोथ का यूज है वो नेगेटिव वर्जन में नहीं करते हैं। नेगेटिव वर्जन में दो लोगों के लिए, व्यक्ति वस्तुओं के लिए नीदर का यूज किया जाता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, बोथ की जगह सिर्फ नीदर लगा दो, ऑफ भी लगा हुआ है, सिर्फ नीदर लगा दो। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, हैव की जगह हैज कर दीजिए बस। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज नॉट, नहीं, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट भी हटाना पड़ेगा, ये पार्ट गलत है, कुछ यूं होना चाहिए था। ठीक है, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड हिज वर्क हो जाएगा, पूरा दोबारा देख लीजिए। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट, नॉट क्योंकि बोथ है तो नॉट लग सकता है, लेकिन जब नीदर है तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीदर में खुद नेगेटिविटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके कुछ 10 सेंटेंसेस, और ये 10 सेंटेंसेस आपको बताएंगे कि कितने नंबर आपने पाए। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इन 10 में आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं जिन लोगों ने वीडियो में मार्क्स अच्छे पाए हैं और जिन लोगों ने नहीं भी पाए हैं, वो कंटिन्यू जुड़े रहेंगे और सीखते रहेंगे कि यहाँ पर आपको कितना नॉलेज इन्हेंस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि जिन लोगों ने वीडियो पूरा देखा है और उनको समझ ज़रूर आया होगा, वो लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। चलिए, मैं एक 10 सेंटेंस का स्लैब और दूंगा प्रोनाउन का आपको, ताकि इन जितने गलतियाँ आई हैं वो कवर कर आप दोबारा कर सकें। ठीक है दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्रोनाउन का जरूर पढ़िएगा, ताकि इसकी डिटेलाइज कंडीशंस आपको सारी पता चल सके। थैंक यू।